Hello friends, welcome my YouTube channel and you watching Education for Survive. I hope आप लोग अच्छे होंगे. तो मैं आप लोगों के लिए आज लाया हूँ 10th GK क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अगर एग्जाम के टॉपिक से देखा जाए तो. और कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चन हैं और कुछ हार्ड वीक क्वेश्चन हैं, इसमें हम लोग आज देखेंगे. तो आशा है कि आपको वीडियो पसंद आती है और आप अंत तक देखते रहिएगा इस वीडियो को. तो अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा. और जो लोग नए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि 10,000 GK क्वेश्चन सीरीज चल रही है इस चैनल पे. इस चैनल पे कंप्लीट किया जाएगा 10,000 GK क्वेश्चंस, मोस्ट सेलेक्टिव क्वेश्चंस. तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है, फिर से मैं कहना चाहता हूँ, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि ये एजुकेशनल वीडियो है. तो चलिए चलते हैं, अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है. शेवारॉय हिल्स फॉर्म द पार्ट ऑफ विच. तो सेवारॉय हिल्स कहाँ पे है और किस पार्ट का है, तो हम लोग देखते हैं इसका ऑप्शन क्या देता है. आपका देता है वेस्टर्न घाट, विंध्या रेंज, ईस्टर्न घाट्स एंड अरावली रेंज. तो इसका राइट ऑप्शन है हम लोगों का ईस्टर्न घाट्स, जो कि इसका सी है. अब इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, आंसर में एक्सप्लेनेशन क्या देता है. सेवारॉय हिल्स जो कि 1,620 मीटर की ऊंचाई है और वो सलेम टाउन, यानी जो तमिलनाडु में एक टाउन है सलेम नाम का, वहाँ पे ये है. दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ साउथर्न रेंज, दे फॉर्म पार्ट ऑफ अ साउथर्न रेंज ऑफ द ईस्टर्न घाट सिस्टम. सेवारॉय हिल्स जो है वो 400 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर करता है. दैट मीन्स 99,000 एकर्स वो एरिया को कवर करता है. देख लिया जाए थोड़ा सेवारॉय हिल्स की इमेज, ये रही आपके सामने ये सेवारॉय की इमेज, और थोड़ी ऊंचाई है और अच्छी जगह है यहाँ पे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. द रेड एंड येलो सॉइल, द रेड एंड येलो सॉइल लुक्स रेड ड्यू टू वाइट डिफ्यूजन ऑफ आयरन. जो लाल और पीला सॉइल होता है वो रेड इसलिए दिखाई देता है क्योंकि डिफ्यूजन ऑफ आयरन. इट लुक्स येलो इन कलर व्हेन, कब येलो दिखाई देंगे. तो ऑप्शन देखते हैं क्या है आपका. ए देयर इज अ लॉस ऑफ मॉइस्चर, जब लॉस हो जाएंगे मॉइस्चर. इट ऑकर्स इन हाइड्रेटेड फॉर्म, जब हाइड्रेटेड फॉर्म में रहेंगे. और देयर इज अ एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस. एंड डी इज अ लास्ट ऑप्शन, आयरन इज रिमूवेड फ्रॉम द सॉइल. जब आयरन रिमूव हो जाएगा तब हम लोग को येलो सॉइल मिलेंगे. तो इसका राइट ऑप्शन है आपका बी, इट ऑकर्स इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म. तो इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए. इट लुक्स येलो वैन इट ऑक्योर इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म. इट लुक्स येलो वैन इट ऑक्योर इन ए हाइड्रेटेड फॉर्म. द फाइन ग्रेनाइट, यानी जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं रेड एंड येलो सॉइल को, वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं. वेयर एज कंपेरिजन टू, अगर देखा जाए कोर्स ग्रेनाइट सॉइल जो कि बहुत ही कम फर्टाइल होते हैं एज कंपेरिजन टू फाइन ग्रेनाइट के. अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. द पनामा कैनल कनेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज. जो पनामा कैनल है वो किस वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है, तो देख लेते हैं. ऑप्शन दिया है, ए है आपका रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया एंड पैसिफिक ओशियन, गल्फ ऑफ मैक्सिको एंड कैरेबियन सी, कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन. तो आपका राइट ऑप्शन है डी, कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशियन, जो कि आप देख रहे हैं आंसर में. और इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, तो पनामा कैनल इज़ एन आर्टिफिशियल पनामा कैनल जो कि बनाया गया है और वो 77 किलोमीटर की लंबाई में बनाया गया है. पनामा दैट कनेक्ट द कैरिबियन सी, जो कि अटलांटिक ओशन, विद द पैसिफिक ओशन. ये बहुत बड़ी कैनल है जो कि एक इंटरनेशनल ट्रेड की रास्ता है. तो ये रही आपके, और ये देख लीजिए मैप रहा है यहाँ पे आपका. ये पनामा कैनल है जो कि है यहाँ पर, आप लोग देख लीजिए मैप में. तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. विच ऑफ द फॉलोइंग आर वार्म ओशन करेंट, कौन से वार्म ओशन करेंट हैं. तो आपका देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है. कैनरीज, हम्बोल्ट, अगुलाज, नॉट अटलांटिक ड्रीफ. तो आपका ऑप्शन ए है दो, टू एंड थ्री, फर्स्ट एंड फोर्थ ओनली, एंड थर्ड एंड फोर्थ, एंड टू एंड थर्ड फोर्थ. तो इसका है आपका दैट मीन्स थर्ड एंड फोर्थ, अगुलहास एंड नॉट अटलांटिक ड्रीफ. दैट मीन्स सी इज़ द राइट आंसर. तो सॉरी यहाँ पे आपका गलत आंसर दे दिया है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में देख लिया जाए क्या दिया हुआ है.
तो कैनरीज इज अ कोल्ड, जो कि आपका पहला जो फर्स्ट नंबर पे है कैनरीज, जो कि वो कोल्ड करंट है अटलांटिक ओशन में, और हम बोल्ड करंट जो है वो भी कोल्ड करंट है वो पैसिफिक ओशन में, और जो अगुलाहाज करंट है वो वार्म ओशन करंट है इन द इंडियन ओशन में, और जो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट है वो भी वार्म है वो है अटलांटिक ओशन में। तो आपका अगुलाहाज एंड नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट इज़ अ वार्म करेंट ओशन, तो आपका थर्ड एंड फोर्थ यानी सी इज़ अ राइट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये इस आंसर को गलत समझिए और इस एक्सप्लेनेशन को सही समझिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिजल्ट फॉर्म अर्थक्वैक, कौन से फॉर्म होते हैं अर्थक्वैक के, तो देखते हैं अपना ऑप्शन क्या देता हुआ है। लैंडस्लाइड, लिक्विफिकेशन, सुनामी। तो यहाँ पे क्लियरली हो गया लैंडस्लाइड और लिक्विफिकेशन अर्थक्वैक से जुड़ा हुआ है, अर्थ से जुड़ा हुआ है। तो सुनामी तो आपका वाटर बॉडी से, वाटर में जो कुछ भी डिजास्टर आते हैं उससे जुड़ा हुआ है। तो आपका फर्स्ट एंड सेकेंड आपका राइट है, तो ए इज़ द राइट ऑप्शन। अब एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, जो ग्राउंड में होते हैं उसे फिजर्स, लैंडस्लाइड, लिक्विफिकेशन, पॉसिबल चेन इफेक्ट ये सब कहते हैं, और जो मैन मेड कुछ भी बनाया होता है तो उससे उसमें क्रैकिंग, बल्किंग, ओवर टर्निंग, स्लाइडिंग, कोलैप्स, पॉसिबल चेन ये सब हो जाते हैं, और जो वाटर बॉडीज में होते हैं डिजास्टर वो सुनामी, हाइड्रोडाइनेमिक प्रेशर, वेव्स, पॉसिबल चेन इफेक्ट एक्सेट्रा ये सब होते रहते हैं। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है, खुल जाए बाबा सिम सिम। तो यहाँ पर दिया सॉइल क्रिप, रिफर्स टू सॉइल क्रिप होता क्या है, तो आइए देखते हैं सॉइल क्रिप होता क्या है। ऑप्शन क्या देता है, स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल, धीरे और कुछ धीरे धीरे मूवमेंट होना सॉइल डाउन द हिल स्लोप, कंप्लीट सेचुरेशन ऑफ सॉइल विथ वाटर, रैपिड मूवमेंट ऑफ अ लार्ज मास ऑफ सॉइल ऑन स्टीप स्लोप्स। सो डी इज द लास्ट ऑप्शन क्या देता है, लूजिंग ऑफ रॉक्स ड्यू टू अर्थक्वैक। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका ए, स्लो एंड ग्रेजुअल मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप, आपका जो कि ए आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, सॉइल क्रिपर्स रिफर सॉइल क्रिप वो होता है जो कि ग्रेजुअल ग्रेजुअल बट और मोस्ट कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ सॉइल डाउन द हिल स्लोप, धीरे होते हैं लेकिन हमेशा लगातार होते रहते हैं सॉइल इरोजन के, वो हिल स्लोप में होते रहते हैं पानी की वजह से, और उतनी बाउंडेशन नहीं रहती है, बॉन्ड नहीं रहती है सॉइल में, तो इसलिए वहाँ पे सॉइल इरोजन होता है। द मोमेंट इज़ नॉट वेरी नोटिसेबल, जैसा कि मोमेंट जो होता है वो बहुत ही हम लोग देख नहीं पाते हैं लेकिन वो होता रहता है वहाँ पे, स्पेशली व्हेन द स्लोप इज़ फेयरली जेंटल और व्हेन द सॉइल इज़ वेल कवर्ड विथ ग्रास और अदर वेजिटेशन। और जब ग्रास के द्वारा वो सॉइल कवर रहते हैं, उनके ऊपर ग्रास जब रहता है तभी वो सब सॉइल इरोजन होते हैं लेकिन हम लोग को दिखाई नहीं देते हैं। तो आइए देख लिया जाए उसका कैसा होता है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं अपना। सैलिनिटी ऑफ वाटर इन द पोलर ओशियन इज लो ड्यू टू, जो नमक की जो मात्रा होती है वो पोलर ओशियन में क्यों कम होती है, तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन क्या है आपका। ऑप्शन है लो इवेपोरेशन, लो इवेपोरेशन की वजह से इन्फ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द पोलर ग्लेशियर, और थर्ड है आपका हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो आपका होगा मेरे ख्याल से फर्स्ट एंड सेकंड, तो आपका ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो आपका आंसर क्या देता है ए। एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए क्या है, सैलिनिटी ऑफ ओशन इज़ हाईएस्ट, सैलिनिटी ऑफ ओशन जैसे कि नमक का जो पानी में रहता है वो कम से कम 20 और 30 डिग्री के बीच में उसकी अगर टेम्परेचर है उस वाटर की, तो बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है वहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड में जैसा कि होता है, और रेट ऑफ इवोपरेशन इज़ जो कि होता है बहुत ही हाई होता है, और ह्यूमस टेम्परेचर वहाँ की भी बहुत हाई होती है और ह्यूमिडिटी लेकिन कम होती है, और द टेम्परेचर हैव लेजर सैलिनिटी, जैसे कि जहाँ पे टेम्परेचर कम रहेगी वहाँ पे सैलिनिटी कम रहेगी ड्यू टू लोअर टेम्परेचर, ड्यू टू लोअर टेम्परेचर के कारण एंड दस लोअर रेट ऑफ इवेपोरेशन, और इवेपोरेशन कम होगा, और पोलर वाटर बॉडीज विल हैव लेजर सैलिनिटी बिकॉज ऑफ लोअर इवेपोरेशन एंड कंटिन्यूअल एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर। जैसा कि पोलर वाटर जो होते हैं वहाँ पे सैलिनिटी बहुत कम होती है क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यू एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर आते रहते हैं वहाँ पे ग्लेशियर के थ्रू, और जो पिघलते हैं उनके थ्रू कंटिन्यू वाटर आते जाते रहते हैं, इसलिए वहाँ पे सैलिनिटी उतनी नहीं रहती है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, और आई होप इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं अपना।
Which of the following correctly describe करेवाज? What is करेवाज? तो करेवाज क्या होता है? ऑप्शन देख लिया जाए इसका. Thick deposit of glacial clay famous for saffron cultivations, fertile region of the Rajasthan plains, delta formed by the eastern flowing peninsular river, special soil type founded in the coral island. तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला ऑप्शन जो कि वो मुझे सही लग रहा है, क्योंकि ये सैफ्रॉन की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही अच्छी होती है, जो कि एक केसर की है वैरायटी है. तो ऑप्शन ए आपका सही है, जैसा कि हम लोग देखते हैं अब ऑप्शन क्या देता है. ए आपका सही दिया है. तो एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए इसका क्या दिया है. करेवाज आर द थिक डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियल क्ले. करेवा एक थिक तरह का डिपॉजिशन ऑफ ग्लेशियल क्ले पे एंड अदर मटेरियल एम्बेडेड विथ मोरेनीज, जो कि कम और जो कश्मीर हिमालयाज है वो करेवाज के लिए आप फेमस है और फॉर्मेशन के लिए, और ये बहुत ही यूजफुल होते हैं कल्टीवेशन करने के लिए. और जैफ्रॉन की कल्टीवेशन होती है वहाँ पे, एक जो कि सैफ्रॉन एक वैरायटी है और ये सब है. तो आप देख सकते हैं ये आपका जैफ्रॉन है पिक्चर में आप देख सकते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. द एरियल सी इज बॉर्डर्ड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. जो एरियल सी है वो किस कंट्री के बॉर्डर पे मतलब है, मतलब किस कंट्री के बॉर्डर से जुड़ा हुआ है एरियल सी. तो ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे. आपका ए दिया हुआ है फर्स्ट जो है तुर्कमेनिस्तान, और सेकंड जो दिया है उज्बेकिस्तान, और थर्ड जो दिया है कजाकिस्तान. तो मुझे लगता है मुझे इसका सहारा ऑप्शन राइट ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा इसका. तो आपका बी है, तो टू एंड थर्ड उज्बेकिस्तान एंड कजाकिस्तान. तो इसका मैप देख लिया जाए और एक्सप्लेनेशन भी देख लिया जाएगा. तो एक्सप्लेनेशन दिया है आपका, द एरियल सी इज सिचुएटेड इन सेंट्रल एशिया बिटवीन साउथ पार्ट ऑफ कजाकिस्तान एंड नॉर्थन पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान. साउथन जो सेंट्रल एशिया है वो साउथन पार्ट ऑफ कजाकिस्तान में है और नॉर्थन पार्ट ऑफ उज्बेकिस्तान. तो इसका मैप देख लिया जाए. इसका मैप है यहाँ पे आपका, ये रहा आपका कजाकिस्तान और यहाँ पे रहा आपका उज्बेकिस्तान. जैसा कि एरियल सी यहाँ पे है, ये एरियल सी आपका है. और सो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. द सिनाई पेनिनसुला इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग सी. जो सिनाई पेनिनसुला है वो किस समुद्र किस सी के बीच में सिचुएटेड है, कहाँ पे है. तो ऑप्शन देख लेते हैं, रेड सी एंड मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी एंड ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी एंड ब्लैक सी, रेड सी एंड ब्लैक सी. तो इसका ऑप्शन देखते हैं राइट ऑप्शन क्या होता है. आपका ए रेड सी एंड मेडिटेरियन सी होता है. और इसका एक्सप्लेनेशन देख लिया जाए तो द सिनाई पेनिनसुला इज ट्रायंगुलर पेनिनसुला इन इजिप्ट. जो सिनाई पेनिनसुला है वो ट्रायंगुलर पेनिनसुला है इजिप्ट में, और इट इज़ सिचुएटेड बिटवीन मेडिटेरियन सी एंड टू द नॉर्थ. मेडिटेरियन सी नॉर्थ में है और एंड द रेड सी टू द साउथ, साउथ में है रेड सी. इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ इजिप्टियन टेरिटरी लोकेशन इन एशिया. एकमात्र ऐसा इजिप्टियन टेरिटरी है जो कि एशिया में ये लोकेट है, थोड़ी सी पार्ट है उसकी एशिया में. तो इसकी शायद मैप होगी तो देख लिया जाए. तो मैप है यहाँ पे आपकी, ये देख लीजिए आप है. तो ये रहा आपका सिनाई पेनिनसुला और मेडिटेरियन सी यहाँ पे है और रेड सी आपका यहाँ पे है. तो ये नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है और रेड सी आपका साउथ में है. तो आप जैसा कि देख रहे हैं ये इजिप्ट है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट है इसका एशिया में. तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना. सॉरी अब क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. तो कीप वॉचिंग, लीड एग्रेसिवली, लर्न फ्रिक्वेंटली. सो लिव लॉन्ग, लाइफ हैप्पी. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, केयरफुल डे.